आई थिंक एवरीथिंग वॉज बिकॉज ऑफ मॉम. तो आई एम एवरीथिंग बिकॉज ऑफ माई मदर एंड इट्स नॉट ओनली मी, इट्स द एंटायर कंट्री विच इज सेइंग बिकॉज द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स वी गेट. जितना रिस्पॉन्स हमें आता है, जितने कॉल्स हमें घर पे आते हैं, मैं उसकी एक लाइव विटनेस हूँ. और आई थिंक ऑडियंस लोग भी उसे इतना ही पसंद करते हैं. द वेरी फैक्ट के सहर एक हफ्ता पहले शुरू हुआ ऑन एयर एंड इट इज ऑलरेडी वन ऑफ द टॉप शोज इन दिल्ली. और जो रानी के साथ शो मॉम करती है कनेक्शन किस्मत का, दैट हैज बीन द टॉप शो इन मुंबई सिंस द डे इट हैज स्टार्टेड. और जहां भी जाते हैं यू नो दे टेल मी ओ वी हर्ड योर मॉम, ओ वी हर्ड योर मॉम. मेरे बारे में कम बात करते हैं, मॉम के बारे में ज्यादा बात करते हैं. सो आई एम अ प्राउड डॉटर एंड आई जस्ट वांट टू विश देम ऑल द लक. रागिनी का आज तक फ्यूचर बहुत अच्छा रहा है और पहले भी जितना कुछ किया है उसने भगवान की दया से बहुत कामयाब रही है और आगे भी कामयाब रहेगी. दिसंबर के बाद आप देखिएगा. Regarding that, I don't want to talk about it right now. And mom has always predicted good things about me and the bad things also. There have been times जब मैं mom को बोलती हूँ कि mama, आप तो हमेशा बोलती हो कि मेरा horoscope इतना अच्छा है, लेकिन फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? Because कितनी बार जो पर्दे पर आता है, वी नेवर नो व्हाट द स्टोरी बिहाइंड इज. मे बी आई एम वेरी हैप्पी ऑन द कैमरा एंड वेरी अपसेट बैक स्टेज. सो देर आर अप्स एंड डाउन्स इन एवरीबडीज लाइफ, बट एस्ट्रोलॉजी इज समथिंग विच गिव्स यू एन अम्ब्रेला. इफ इट्स रेनिंग यू हैव एन अम्ब्रेला, यू विल बी सेफर. इट वोंट से दैट विल स्टॉप रेनिंग, बट इफ यू नो अबाउट इट, अगर आपको पता है कि ये होने वाला है, तो आप उसके बारे में थोड़ा प्रिकॉशियस रहेंगे और आप पहले से ही समझ के रहेंगे. तो जब हम स्टोन्स पहनते हैं, पहले मैं स्टोन्स में भी बिलीव नहीं करती थी, बट मॉम ने मुझे ये पहनाया. सो नाउ एवरीबडी सेज कि जब से तूने पुखराज पहना है तब से तेरा अच्छा हो गया है. आई डोंट नो ये सब बहाने बन जाते हैं या वाकई में इनका असर होता है, बट ऑल आई वांट टू से इज दैट बहुत सही है ये साइंस, बहुत करेक्ट है. और ये मैं इसीलिए ज़्यादा विश्वास करने लगी हूँ बिकॉज आई वॉज अ नॉन बिलीवर. मैं विश्वास नहीं करती थी और ओवर द ईयर्स जब मॉम ने कहा कि तेरे साथ अभी देखना ये होगा, एंड एग्जैक्टली वो हुआ. शी सेड देख अभी ये होगा, एंड एग्जैक्टली वो हुआ. शी सेड ये हो, एंड नॉट ओनली विद मी. फिर जो मॉम के घर पे जो आते हैं लोग मॉम को हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, जैसे कामनी जी देखिए हमारा ये हो गया. इनफैक्ट द वर्स्ट वॉज वंस, गॉड ब्लेस एवरीबडी, मॉम ने एक बार किसी से कह दिया कि आप अपना सर संभाल के रखिए. एंड पुअर थिंग यू नो बेचारा, नेक्स्ट डे वो बाथरूम में गिर गया एंड ही डैमेज्ड हिज हेड. सो इट वॉज सो स्कैरी. ऐसे इतने सारे सीन्स हो चुके हैं हमारे साथ कि अब मुझे डर लगता है मॉम के साथ हॉरोस्कोप पे बैठने के लिए कि मम्मी अभी क्या बोलने वाली हैं. एंड समटाइम्स यू नो देर आर पीपल हु कम जिनके पास हॉरोस्कोप्स नहीं होते. जैसे मॉम ने कहा कि ना जब बारिश हुई थी होली के चार दिन बाद बेटा तू पैदा हुआ था. सो यू नो फॉर देम देर इज एक से लेके 108 तक आप नंबर बोलें और उसकी आपकी जो उस वक्त की कुंडली होती है, नॉट योर लाइफ लॉन्ग कुंडली. यू हैव टू कीप विद टाइम, इट कीप्स चेंजिंग because that's not your lifetime horoscope. If you have your name and your date of birth and place of time, तो आपकी life long horoscope बन सकती है. लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप एक number से उस moment की कुंडली बना के देख सकते हैं. And ये जो beauty with astrology, the sciences, I have tried and tested it. मैं ऐसे ही किसी भी चीज़ में conviction आप में बोल के कोई नहीं डाल सकता. You have to actually believe in something. I completely believe in this. और मैं ये कहना चाहूँगी क्योंकि मम्मी ने मुझे जब भी कहा कि तेरा ये planet के हिसाब से, and there is logic to it. How there is logic, वो मॉम आपको एक्सप्लेन करेंगी आगे. बट इसमें लॉजिक है जो आप अगर डीपर स्टडी करें, बिकॉज मॉम ने इस साइंस को 25 साल दिए हैं. ये उनकी 25 साल की जमा पूंजी है जो वो लोगों में बांट रही हैं. एंड इट्स नॉट लाइक कि वी आर डूइंग इट फॉर अ फी, वी आर नॉट डूइंग इट फॉर पर्सनल बेनिफिट. मेरी मॉम कोई बाबा नहीं है. शी हैज़ नेवर कम इन अ चोगा, शी इज़ नेवर कम इन अ, शी इज़ अ नॉर्मल हाउस वुमन who is a working woman and she's somebody who knows how the world functions. She knows ki duniya kaise chalti hai, kaam kaise hota hai officeon mein. Wo koi टीका लगा के बगैर लिपस्टिक लगाए आशीर्वाद नहीं देती हैं. शी विल टेल यू व्हाट द फैक्ट इज एंड शी विल टेल यू हाउ टू हैंडल इट करेक्टली. तो आई थिंक दिस इज मोर ऑफ अ लाइफ चेंजर. मुझे लगता है ये ज़्यादा हेल्प करेगा आपको इन एनी केस बिकॉज इसमें एक प्रैक्टिकल अप्रोच है. सो आई थिंक आई एम स्पीकिंग टू ओके. आपका
यू नो टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस आई हैव रीच्ड अ स्पेस इन टेलीविजन विच इज़ वेरी एनवियबल फॉर मेनी पीपल बट इट्स मेरे लिए वो बहुत ही डरावनी स्पेस है बिकॉज अब ऐसा एक्सपेक्टेशन हो गया ना लोगों का मुझसे कि अरे ये जो भी करती है टचवुड यू नो इट्स ऑलवेज डन वेल आई एम स्केर्ड मुझे डर लगता है इतनी एक्सपेक्टेशन से क्योंकि मैं इंसान हूँ मैं भी गलतियाँ कर सकती हूँ और मैं जाहिर सी बात है मैं बहुत छोटी हूँ अभी तो गलतियाँ तो होंगी लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसलिए अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करूँ फिर